मुगल हकूमत का वो वेला आ गया जो उन्होंने सिखा वटदियां वटदियां सिरा ला दिता। इतों तक कह लिया गया कि सिख बिल्कुल वड के खत्म कर दिते गए हैं। कल्लू घरियां तो बाद दा वेला है, पर खालसा फिर प्रगट हुंदा है। ते लाहौर नूं जाण वाला मालिया लुट लैंदा है। मुगल हकूमत दिल्ली विच बैठी हुई पंजाब दे हाकमां नूं घूरदी है, वंगारदी है। अखीर सिखां नूं नवाबी दी पेशकश करन दा समां आ जांदा है और नवाबी दी पेशकश लै के भाई शाह बेग सिंह श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुँचते हैं। उत्ते दल खालसा हाजिर है। नवाबी दी तश्तरी दे विच एक कलगी है, एक पोशाक है, चबाल कंगन वाल, एक होर परगना, तीन परगणिया की जागीर। उस तश्तरी दे विच कागज़ लिखे हुए हैं कि ये जागीर लेके खालसा हकूमत नाल सुलह कर लवे ते जंग बंदी कर दे ते हकूमत का सा सौखा हो जाए। सिख शख्सियत के दर्शन इस साखी विचों किवें हुंदे ने। उस वेले जदों सिखां दे सिरां दे मुल पै रहे सन, उस वेले जदों सिखां नूं खुरा खोज मिटा देण तक दे ऐलान हो चुके सन, उस वेले हकूमत सिख शख्सियत अगे झुकदी है ते नवाबी दी पेशकश करदी है। नवाबी दी पेशकश लै के हकूमत विच नौकरी करन वाले भाई शाह बेग सिंह नूं भेजिया जांदा है। भाई शाह बेग सिंह खालसा दरबार विच हाजिर हुंदे हन और खालसा जी दे सामने एक सिंह उठ के बेनती करता है कि खालसा जी, भाई शाह बेग सिंह हकूमत वल्लों पेश कीती हुई नवाबी संबंधी खालसा जी नाल गल करना चाहते हैं, खालसा जी की क्या मर्जी है। ऐसी लेवल खालसा जी का कि हकूमत वल्लों सुना आया तो खालसा जी नूं पुछया गया कि की खालसा हकूमत दे इस सुना नूं सुनना चाहुंदा है, की खालसा इहदे ते विचार करनी चाहुंदा है। खालसा जी तरफों हुक्म होया कि शाह बेग सिंह हकूमत का नौकर है, इहनूं तनखाह लाई जावे, फिर इहदी गल सुनी जाएगी। तनखाह लगी, भाई शाह बेग सिंह जी ने वह तनखाह भुगती, फिर हाथ बन के खालसा जी के अगे पेश होया और उसने कहा कि हकूमत खालसा जी नाल सुलह सफाई करना चाहती है और एक नवाबी तीन परगणिया की जागीर नाल आप जी नूं पेश की जाती है। नवाबी का यह सारा समान जिसनों खिलत भी कहा जाता है, एक वड्डी तश्तरी विच, एक वड्डे थाल विच रख के खालसा जी के सामने पेश किया गया। उस वेले खालसा जी के सब तो वड्डी उम्र वाले बजुर्ग दीवान दरबारा सिंह जी जाते सन। खालसा जी ने कहा कि पहला दरबारा सिंह जी नूं यह नवाबी पेश की जाए। भाई दरबारा सिंह जी ने निहंग सिंह, दो फरले सजाने वाले निहंग सिंह, उन्होंने बहुत गुस्से में वह नवाबी लैण तो इनकार कर दिता और उन्होंने भी यही कहा कि नवाबी खराबी है। फिर खालसा जी के सामने वारी वारी वह तश्ती रखी गई। दल खालसा के 32 जरनैल उस वेले वेहड़े हाजिर ने। 32 जरनैलों के गाड़ी वारी वारी वह तश्ती रखी गई। एक भी जरनैल ने उस तश्ती हाथ नहीं लाया तो पैर नार वह तश्ती रेड़ के परां कर दिती। यह कहा
ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਵਾਬੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਭੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਬੇਖੌਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਖੌਫ ਸਨ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਨ।